दूसरा टोल आ गया ना, एक टोल पहले था। लोनावला साइड से और ये घर का शानदार व्यू, ये रास्ते में कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के वहाँ रोकेंगे, एक बार ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो भाई हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, दो रास्ते जाते हैं, एक तो गोवा वाला रूट गोवा का और एक ये वाला रूट। तो रास्ते में यहाँ ब्रेकफास्ट एकदम एक्चुअली है बहुत अच्छा, लोनावला वाला रूट है ये, पुणे लोनावला, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। और लोनावला पीछे करीबन 10 किलोमीटर आगे आ गए, तो देखते हैं कैसा ब्रेकफास्ट, अच्छा ही होगा मैं एक्चुअली यार, आगे दिखाऊँगा और आगे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ कोई आएगी तो अच्छा सीन। ओके, ये मस्त ब्रेकफास्ट हो रहा है भाई, यहाँ भाई मैकडी के साथ साथ दो अच्छे और भी रेस्टोरेंट हैं, एक एग संडे और एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना है। आए तो यहाँ ठहरे ऑन द वे, लोनावला से शायद 15 किलोमीटर आ गए। पुणे टू महाबलेश्वर हाईवे है, ये जाते जाते एक घंटा लगता है बस महाबलेश्वर। ये अपना होटल पहुंच गए हैं भाई, होटल शिवा वैली, यहीं ठहरे थे पिछली बार भी, दो तीन दिन के लिए आए थे, मस्त होटल है एकदम, आज यहीं ठहरे हैं। ये होटल पैराडाइज है भाई, हम जब भी महाबलेश्वर आते हैं, पिछली बार आए थे तो हमने यहीं खाना खाया था, ये देख आ जा यही खाना खाया था, बहुत अच्छा होटल है ये, होटल पैराडाइज। इधर इन्होंने मुर्गा भी बना रखा है, देख उधर है ना फोटो है ना, बहुत अच्छा खाना होता है इसका। लंच करते हैं हम जनरली यहाँ पे, डिनर तो नहीं करते, होटल महादेव बाग, इनका पीछे कमरे भी है, अभी लंच करने के लिए आए हैं। ये रश टाइम नहीं है इतना तो क्राउड कम है, इसलिए इन्होंने तंदूरी रोटी भी नहीं बनाई यहाँ पे, तो हम तवे वाली रोटी देंगे, बाकी लेट्स होप के खाने की क्वालिटी वही हो तो जो रश टाइम में होती थी वही। ये वो बच्चा है यार, हाँ देखो मज़ा आ रहा है, कैसा लगा इस बार महाबलेश्वर का मौसम? अच्छा लगा। अच्छा लगा, ये इधर पार्किंग करती है सामने गाड़ी की, ये इधर ने डिलीशियस फोटो बनाई हुई है,
और वो इधर एंट्री गेट है, वो रहा एंट्री गेट। ये नहीं इससे तो लगाना होगा एंट्री गेट, वो इधर वहाँ से अंदर। एक बार लास्ट टाइम आए थे तो गए थे अंदर, काफ़ी अच्छा होटल, अंदर से कमरे वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, और पीछे इन्होंने बाग वगैरह भी बना रखे हैं। तो यहाँ आए तो भाई यहाँ का खाना जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा खाना है, फ्रेश। और रश टाइम में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, अभी ऑप्शंस कम हैं। दिखाएंगे इनका मेनू, ये इनका मेनू, ऑप्शंस तो बहुत दिख रहे हैं इसमें, लेकिन सारे मिलेंगे नहीं, जैसे आइसक्रीम वगैरह नहीं मिलेगी। ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हैं, और नॉन वेज के तो बहुत ऑप्शन है, फिश मटन चिकन सब है। इसमें से ऑर्डर किया हमने, हमने ऑर्डर किया मटन, मटन मसाला। वो वेट कर रहा है कब खाना आए जल्दी, खाने से खाने पर टूट पड़े। बुनेश, बुनेश कैसा लगा? थोड़ा क्राउड कम है इस बार ना, क्राउड कम है दिखा ना, ठंडा मौसम है, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो कह रहे हैं लेक तो चल रही होगी, क्योंकि क्राउड कम है तो भाई तंदूरी रोटी भी मिसिंग है। तो अभी खाना ऑर्डर किया, देखते आ जाएगा थोड़ी देर में। ये पीछे होटल है इनका, अंदर कमरे वगैरह दिखाता हूँ थोड़ा दृश्य। ये पीछे होटल वगैरह है, ये इनका एंट्री गेट है। गया था लास्ट टाइम, पीछे बाग भी है इनका, दिख तो नहीं रहा कुछ पेड़ वेड़ पर, पीछे जंगल है, व्यू अच्छा है यहाँ से। पार्किंग भी बहुत बढ़िया है, साफ जगह है, काफ़ी क्लीन है। खाना आया, ये हमारा होटल का कमरा है, बहुत अच्छा है, दो डबल बेड लगे हैं इसके अंदर। होटल शिवा वैली, हम लास्ट टाइम आए थे जब भी यहीं ठहरे थे। ये देखो दो डबल बेड लगे हैं, एक पे मैं लेटा हूँ, एक पे वो शरारती बच्चे दोनों के दोनों। बहुत अच्छा है, आए तो यहीं ठहरे भाई, बिना सेकंड थॉट के हम यहाँ ठहर गए आके। और शाम को मार्केट जाने का प्लान, मार्केट की वीडियो लगाऊंगा इससे आगे वाली। तो भाई अब जा रहे हैं महाबलेश्वर मार्केट, फेमस मार्केट, यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर है। और ये यहाँ का मेन रोड है जो पंचगनी और महाबलेश्वर को कनेक्ट करता है। इस रोड पे मैक्सिमम आइटम्स हैं, जैसे वैक्स म्यूजियम, ड्राइविंग के कुछ हैं पार्क्स और बच्चों के पार्क्स, और आगे जाके लेक भी यही है, और बारिश भी चल रही है आज ज़बरदस्त, बीच बीच में हो रही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है जाने में, क्योंकि तो ये टाइम शायद बेस्ट टाइम नहीं है यहाँ का। बेस्ट टाइम है गर्मी का टाइम, जब यहाँ बारिश ना हो रही हो उस समय क्राउड काफ़ी होता है, क्राउड होता है तो फिर दुकानें भी काफ़ी होती है। स्ट्रॉबेरी भी नहीं है इस टाइम पर, स्ट्रॉबेरी होने दी ऑफ सीजन है, कोई स्ट्रॉबेरी की शॉप नहीं मिली हमको। तो मार्केट जाएंगे, फेमस मार्केट, मेन मार्केट, 5-6 किलोमीटर रास्ते में ही लेक आएगी, और भीड़ तो है ही नहीं, गाड़ियाँ भी कम दिख रही है, पर व्यू बहुत अच्छा है। बारिश हो रही है तो शायद झरने देखने को मिलेंगे, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, काफ़ी हैवी वाटर होगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है बारिश मार्ग का, कि आपको झरने तभी मिलेंगे जब आप बारिश के टाइम पर आओ, नहीं तो बाकी आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। अभी भी हल्की हल्की हो रही है, ये वो बच्चा डेंजरस वाला, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, हार्डली 5-7 मिनट,
बारिश हो रही है इसमें भाई, मजे आ रहे। कैसा फील कर रही है कुछ? अच्छा, महाबलेश्वर में बारिश में आके मजा आया पिछली बार से ज्यादा कि कम? ज्यादा। बारिश में थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना, है ना? वहाँ आगे तेज अलग है ना, जैसे जैसे आगे जा रहे हो ना तेज हो रही है। कोई बात नहीं, बारिश अगर मार्केट में अगर दिक्कत होगी तो आप किसी शॉप में खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, शॉपिंग करेंगे वहाँ। बहुत अच्छे आइटम मिलते हैं हर टाइप के, नमकीन बहुत अच्छी है वहाँ, तो नमकीन लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ओके, आगे मिलते हैं फिर। यहाँ गो कार्ट ही है भाई, गो कार्टिंग है ना, आए थे लास्ट टाइम गए थे यहाँ, अच्छा था। छोटा सा ट्रैक है पर ठीक है, ट्राई करना चाहिए, बच्चों के लिए मज़ेदार है। हालांकि छोटे बच्चों को ड्राइव नहीं करने देते, बट साथ में बैठ के मज़े ले सकते हैं बच्चे। अभी ये रास्ता वहाँ जाता है एक पॉइंट पे, आर्थर पॉइंट जाता है शायद, आगे एक और भी रास्ता है। भाई इस रोड पे रेस्टोरेंट बहुत है, देखने के भी सबसे ज़्यादा आइटम्स इस रोड पे ही हैं। और हाँ, बारिश मस्त है, देखते हैं बारिश अगर नहीं रुकी तो मार्केट में मुश्किल होगा, बट स्टिल कोशिश करेंगे। रोड भी यार बारिश में तो ख़राब ही है ना, पहले लास्ट टाइम रोड बहुत अच्छे थे, इस बार तो गड़गड़ गड़गड़ गड़ बोल रहे हैं। शायद हर बार ऐसा होता होगा, और बारिश का सीज़न ओवर होता है ठीक कर देते होंगे ना, तो नॉर्मल रूटीन। ये वो रेस्टोरेंट आ गया दिन में, होटल पैराडाइज, महादेव बाग जहाँ खाना खाया था। फेमस रेस्टोरेंट है क्रीम कॉर्नर, यहाँ स्ट्रॉबेरी विद क्रीम मिलती है ना, बहुत अच्छी है डिश, हमने ट्राई करी थी लास्ट टाइम, ज़बरदस्त है, एक बार तो ट्राई करनी चाहिए सबको। ये इसी रोड पे है, बगीचा ना, लास्ट टाइम अपना बगीचा में खाना खाया था उनके रात में, बहुत अच्छे आइटम थे यहाँ, जहाँ वो मुकेश अंबानी के और कई पॉपुलर बंदों के फोटो लगे हुए थे ना। अच्छा है, यहाँ ट्राई किया था भाई, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स हैं, पकौड़े भी अच्छे हैं, जूसेस बना के देते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अच्छा है, वन टाइम विजिट है। आगे मौसम और ख़राब हो गया, देखते हैं मार्केट में जा पाएंगे। नहीं, होटल है अगर काउंट करने लग जाए तो करीबन 400-500 होंगे दी भी आराम से ना, इस रोड पे ना। ये पहुंच गए अपन जहां घुड़सवारी और कर सकते हैं, और वैना लेक का एरिया है ये, वैना लेक का एरिया है। ये घोड़ा भी जा रहा है भाई, कोई लेके बेचारा शायद सवारी नहीं मिली होगी, चलो चलो घर चलते हैं आज जल्दी। ये आगे टिकट लेंगे शायद यहाँ से, देखते हैं आगे बनाता हूँ फिर। भाई लेक पे चल तो रही है बोट, लेकिन कुछ लोग तो घुड़सवारी भी कर रहे हैं। बारिश ज़्यादा है लेकिन हम तो नहीं जा पाएंगे भाई आज, तो देखते हैं। यहाँ शॉप्स वगैरह भी लगी हुई हैं, लोग उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ ना क्राउड आएगा बड़ा सारा, और लोगों को अच्छा खासा धंधा चलेगा यार, उम्मीद तो ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा ही हो बेचारों का, सामान वान बिक जाए। ये लेक है इधर बैक साइड में, वाह दिस इज़ ऑसम, दिख रही है, हाँ फुल है। बोट तो नहीं चल रही थी कोई, देख जा रहे हैं लोग है ना, पर
रिस्की है थोड़ा सा, पर लोग फिर भी जा रहे हैं रिस्क लेके। बेचारे कई आ रहे होंगे आर या पार, उधर से हाँ देख उधर से, ओए होए देख, बोट में छत है एक्चुअली। हाँ छत है, बट वेदर ग्रेट है आज आज का ना दिया, मजा आ गया। लास्ट टाइम गर्मी का सामना करना पड़ा, पर इस बार तो वेदर बहुत अच्छा है। ये देख नीचे लेक है, वो लोग मस्त घूम रहे हैं, पार्किंग है इधर। अब चलते हैं मार्केट। ये पहुंच गए हम मार्केट के पास में, बाजू में ही पार्किंग है और बाजू में ही पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप तो लग रहा बंद है दीवा। हाँ देख नोबडी इज देयर, अच्छा अच्छा हाँ देखो। और यहाँ पार्किंग है, पार्किंग कर देंगे क्या कहते हैं, या गाड़ी लेके ही चलो उधर। तो एक बार आगे देखा, मार्केट ओपन तो है ना, है ना। गाड़ी जाओ इधर से, जा तो रही थी गाड़ी है ना। एकदम खतरनाक मौसम हो गया है, यहाँ से जा रहे हैं पंचगंगा मंदिर। मार्केट है भाई, मार्केट में जाएंगे अब देखेंगे। खाने पीने का जबरदस्त जुगाड़ हो रहा है इधर। पीछे मेरे लेक है, यहाँ घोड़े घोड़ सवारी की है। ये सन्नी बॉय, ये दबंग है, आपने दबंग नहीं, नहीं भाई। खाने पीने का मस्त जुगाड़ हो रहा है हर जगह। ये क्या दे रहा भाई साहब, ये अमरूद दे रहा है। ये मक्की काफी बिक रही है भाई, मक्की बहुत ज्यादा है, मक्की ही मक्की, मक्की ही मक्की, केवल मक्की है ना। वही अच्छा है खाने का तो ना, वहाँ जो आप कह रहे थे ना आइसक्रीम वगैरह तो है। हाँ ले लो, ये इधर भाई घुड़सवारी अभी भी कर रहे हैं लोग। इधर लेक का नजारा वाह जबरदस्त है भाई। मक्खी मक्खी बनवा रहे हैं यहाँ पे, कौन खाएंगे, मस्त एकदम मसालेदार कौन बना रहा है गर्मा गर्म। ये मजा आया प्रदीप, ये देखो इतनी ठंड है, इसको ठंड भी लग रही है, कह रहा है आइसक्रीम खानी है, फिर भी ऐसे थोड़ी होता है यार। मुनेश ने रगड़ा मारना शुरू कर दिया। फ्रेंकी की ज़्यादा दुकान ने पीछे ना, फ्रेंकी एक आधी मैगी की भी है। कारें काफ़ी ऑन लग, धीरे धीरे दिव्या क्राउड आने लग गया थोड़ा ना, है ना, क्राउड है क्राउड है। आज ही देख ले थोड़ा लोग आ रहे हैं तो वीकेंड पे क्या होगा, हैं है ना। झकास मौसम हो गया यार, धूंध हो गई है पीछे, 6:30-7 बजे का टाइम है। पीछे ले चलता हूँ यहाँ लेक की तरफ। ये लेक है बैक साइड, और ये उधर घुड़सवारी होती है बैक साइड, और ये मार्केट है यहाँ की। वैना लेक, वैना लेक के पास का नज़ारा है भाई, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और ये लो दर्शन कर रहे हैं लोग, मज़ा ले रहे हैं इधर उधर घूम के, फोटो खींच रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, खाना चाहिए बारिश के मौसम में भी, एक बारिश का भी मज़ा लगे।
यहाँ टिकट टिकट बंद है, वोटिंग नहीं हो रही है इसका, मतलब कह तो रहे लोग वोटिंग हो रही है पर दिख तो नहीं रहा है सर। वो स्ट्रॉबेरी विद आइसक्रीम दे रहा भाई, बहुत जबरदस्त एकदम, एक बनवाया देखते हैं कैसा बनाता है, दिख तो अच्छा रहा। ये लीजिए, ये उधर लेक है, लेक बैक साइड में, इधर लेके चलता हूँ लेक की साइड। हाँ वो बोट्स खड़ी हैं, हाँ अभी बंद है, अभी नहीं चल रही ना, कितने बजे बंद हो जाती है? 6 बजे बंद हो जाती है, बारिश के सीजन में या डेली बारिश ना हो तो भी 6 बजे डेली बंद हो जाती है, सीजन में खुला रहेगा ना। अच्छा 7 बजे तक ओके ठीक है, तो चलता है लेकिन डेली है बारिश में भी है। ओके दिन में बारिश रहेगी तो बंद रहता है। अच्छा दिन तेज बारिश रहेगी तो ओके ठीक। ओहो वाह क्या नजारा है यार, मजा आ गया भाई। हाँ ये चाय दे रहा है, मैं चाय पकौड़े टी एंड कॉफी कुल्लड़ में दे रहा है, चाय जिंजर चाय पकौड़े भी है साथ में, ट्राई करते हैं अभी। वाओ वेदर देखा कैसी आइसक्रीम है, मज़ा एक और लेनी है क्या भाई? से पकौड़े बनवाए हैं, करारे करना भैया, अनियन पकौड़े भी, चाय लेंगे, ये जिंजर देखो कितना की सारी लगा रखी है इधर, जिंजर टी बनाता है भाई ज़बरदस्त एकदम, चाय पियेंगे और पकौड़े खाएंगे इसके, अनियन पकौड़ा, ये फोटो लगा रखा है। वाह यहाँ लेक 5:30-6 बजे बंद हो जाती है लेकिन मार्केट खुली रहती है 8 बजे तक चलती है मार्केट एकदम फर्स्ट क्लास में। आइसक्रीम का भाई ये यहाँ का बगीचा रेस्टोरेंट जबरदस्त बहुत शानदार बना हुआ है, यहाँ इतने बड़े स्टार आए हैं यहाँ पे देखो, बॉबी देओल, धर्मेंद्र, देवानंद, जैकी श्रॉफ, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, तरह तरह के जूस शेक सब है यहाँ, पकौड़े खाना जो भी खाना है, ये इनका मेनू लगा हुआ है टेबल पे। ठीक है यो जगह भी अच्छे बैठने में, थोड़ा ठंड भी कोनी इतनी है ना। ठीक है बनेस कैसे चटपट मजा आ रहा है तेरे को आइसक्रीम, फिर वो क्रीम खाई वहाँ थोड़ी सी खाई तो। ये भाई लोग यहाँ खाना पेल रहे हैं, मस्त देखते हैं कोई आता है तो ऑर्डर लेने के लिए, नहीं फिर ऑर्डर करेंगे जाके। यहाँ क्रीम्स हैं, जूसीज हैं, मिल्क शेक है, आइसक्रीम है, जैन स्पेशल फूड भी है यहाँ, पिज़्ज़ाज भी हैं, सैंडविच हैं, पकोड़ा सब कुछ है भाई यहाँ, बहुत ज़बरदस्त है। हाईवे पे ही है, वैना लेक से 1 किलोमीटर दूर है बस, 5 मिनट का रास्ता है तो हाँ अब करेंगे कुछ ऑर्डर, मत खाएंगे यहाँ का कुछ शानदार। भाई ये अपने होटल में वेदर देखो, बहुत जबरदस्त वेदर है, आह हाँ हाँ मजा आ गया, हाँ एकदम एक्सीलेंट एक्सीलेंट वेदर है, ठंड भी अच्छी है, इस मौसम में भी आने का अपना अलग ही मजा है। अगर ये देखे तो उधर बैक साइड में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये
अभी आए हैं आज आके वैना लेक, कल फिर निकलेंगे। अभी फर्स्ट डे है, थोड़ा क्राउड कम है क्योंकि वीकेंड नहीं है, बट आ रहे हैं लोग अभी धीरे धीरे। ये होटल की एंट्री है, बारिश नहीं हो रही, धुंध है ये। आजा प्रतीक, आजा आजा। कैसे तबीयत, कैसा मजा आया तेरे को ठंडी में? ओके ठीक है, कल फिर निकलेंगे फिर अपना टूर पे, ठीक है? पॉइंट्स देखने हैं और काफ़ी चीज़ें देखनी है, उनकी वीडियो बनाएंगे। ओके, ये होटल की रिसेप्शन है भाई, गजब। बैठने का मस्त अरेंजमेंट है, इधर अखबार भी रखे हुए हैं। ऊपर कैंटीन है, रेस्टोरेंट है, खाना वगैरह खाना हो तो। अब चलते अपने रूम पे। हाँ वेदर अच्छा है, अपना रूम उधर है कोने में, दोस्त। हाँ चल, रूम मस्त है, दो डबल बेड वाला। एंट्री है, भाई ये वो महादेव बाग रेस्टोरेंट होटल, ब्रेकफास्ट करने को आए यहाँ पे, खाना अच्छा देता है, मैंने बताया था ना पहले। देखते हैं आज परोंठे खाएंगे, इसके आलू परोंठे, देखते कैसे परोंठे हैं। एकदम खाली रोड है, मौसम अच्छा है, प्रतापगढ़ फोर्ट जाएंगे आज, देखते हैं कैसा है वहाँ। अगर बारिश वारिश हुई तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हुई तो अच्छे से बनाऊंगा वीडियो। ओके वाह ज़बरदस्त है भाई, प्रतापगढ़ इधर है, बैक साइड में देखो, वो देखो वो जो किला दिख रहा है छोटा सा, वो प्रतापगढ़ का किला है एकदम, वो जो ऊंची सी पहाड़ी दिख रही है, और ये वाटरफॉल बहुत ज़बरदस्त, वाह। एक्सीलेंट यार, ऑसम। नहा भी रहे, मजे भी कर रहे हैं पानी वाने से। गिरने का डर है थोड़ा सा भाई, उधर गिरने का थोड़ा डर है, लेकिन फिर भी लोग चढ़े हुए हैं। गणेश केयरफुली, थैंक यू सर। मैं देखता हूँ सर, पहले उनका मजा कर दूँ, उसके बाद मैं अपना करूँगा। फिर जाना मुझे, मैं सोचूँ पहले वो खुश हो लेंगे ना थोड़ा, मेरे को तो सर छुट्टी मिल गई इससे।
भाई मौसम अच्छा है, वैना लेक जाएंगे अभी, तैयारी कर ली है, देखते हैं। बादल वादल तो नहीं है अभी, अच्छा मौसम है, चल अभी निकलते हैं यहाँ से। मौसम अच्छा भाई, सूरज निकला हुआ एकदम, अभी निकल रहे हैं। भाई आज पॉइंट देखने के लिए निकल रहे हैं, वो देखो सारे रेडी हो गए, पर धुंध है थोड़ी सी, मौसम ख़राब है, बारिश हो सकती है कभी भी, कल तो क्लियर मौसम था। ये देखो पीछे, देखते हैं, लेट्स होप के बारिश ना हो, ऐसा मौसम चल जाएगा। पॉइंट्स पे जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे अपना कौन सा आर्थर सीट, एल्फिनस्टन पॉइंट, केट्स पॉइंट, तीन पॉइंट ये, और मंदिर जाएंगे पहले, महाबलेश्वर का जो सबसे मेन मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर पहले ब्रेकफास्ट करेंगे रास्ते में। ये टीम रेडी है, टीम अंदर रेडी है एकदम, ठीक है फिर। हाँ यार, ऐसा मौसम हो रहा है तो जिस तरह अपने नॉर्थ में सर्दी में धुंध को नहीं देख रहे, सेम वैसा ही दिख रहा है ना। वैसे तो यार इतनी धुंध में तो पॉइंट तो क्लियर कौन दिखाएंगे, पॉइंट से जो व्यू नजर आवे पहाड़ियों का वो तो दी, हाँ वहाँ तो वो तो नजर ही को नहीं आओगे सही से, ऐसे लगा जैसे किसी कमरे में ही। हाँ चलो देखते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करांगे, अभी शायद अपन वहाँ पहुंचने में भी आधा घंटा फिर और लगेगा, तो मे भी एक घंटे में शायद वेदर ठीक हो जाएगा, है ना।